मेरे एक तरफ है रेगुलर बेंजो जिसमें जो कीज हैं वो लेफ्ट हैंड से बजेंगी और जो तार है वो दाएं हाथ से बजेंगी, जैसा अक्सर बेंजो में होता है। लेकिन मेरे जो सामने बेंजो रखा हुआ है वो है एक स्पेशल बेंजो जिसमें जो बटन है कीज हैं वो बजेंगी आपके दाएं हाथ से और जो तार हैं वो बजेंगे लेफ्ट हैंड से। आप में से बहुत सारे लोगों के डेली मैसेजेस आते हैं और डेली हमारी बात होती है जिसमें मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि दाएं हाथ के बेंजो में क्या फ़र्क है और ये क्यों लेना चाहिए या क्यों नहीं लेना चाहिए। इस वीडियो के एंड तक हम डेमोस्ट्रेट करके आपको ये पक्का माइंड में बिठा देंगे कि राइट हैंड के बेंजो में क्या फ़र्क होता है और क्यों यही बेंजो बजाते हैं और यही बेंजो बनाते हैं और मार्केट में आपको यही बेंजो दिखते हैं, इनमें दोनों में क्या फ़र्क है। है तो ये सरल, राइट हैंड लोगों का ज़्यादा चलता है, लगभग 80-90% लोगों का दायां हाथ चलता है, तो क्यों ना राइट हैंड का बेंजो बना दिया जाए, लोगों को सीखने में भी आसान और बजाने में भी आसान है ना। तो चलिए समझते हैं। मैं स्वयं दोस्तों कीबोर्ड हारमोनियम पियानो राइट हैंड से ही बजाता हूं, लेकिन बेंजो मेरे से ये वाला ही बजेगा जिसमें जो बटन है वो लेफ्ट हैंड में, क्योंकि ये मेरे से बिल्कुल नहीं बजने वाला। भले आप इसमें मेरी सहूलियत के लिए बटनों को आपने राइट हैंड में लगा दिया है, तार भले इसमें लेफ्ट हैंड में, लेकिन ये नहीं ही बजेगा। उसका आपको रीज़न बताता हूँ मैं। आप एक थोड़ा सा अपने आप को प्रैक्टिकली लेके जाइए, आप कीबोर्ड को ऐसा उल्टा रख दीजिए, है ना, जैसे ऐसा सामने कीबोर्ड बजा हुआ है उसकी जगह आप कीबोर्ड को ऐसा उल्टा रख दीजिए, फिर बजाने की कोशिश करिए। जिस समय जैसा आपको उल्टा कीबोर्ड बजाने में महसूस होगा वही सेम चीज़ आपको राइट हैंड के बेंजो में बजाने में महसूस होगी। एक म्यूज़िकल कॉन्सेप्ट समझिए, कोई भी जो सुर होते हैं साउंड में, म्यूज़िक में, संगीत में, वो हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ ही जाते हैं। जैसे सारे गामा प ध नी सा, है ना, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ गए, दाएं तरफ गए, वैसे वैसे जो साउंड का पिच है वो तेज होता गया, बढ़ता गया। लेकिन जैसे ही हम राइट हैंड का बेंजो बनाते हैं या फिर राइट हैंड का बेंजो बजाते हैं तो उसमें सारी चीज़ें विपरीत हो जाती हैं, संगीत के सारे नियम उल्टे हो गए। ऐसा लग रहा है जैसे आईने में हमने अपने आप को खड़ा कर दिया, सारी चीज़ें विपरीत। इसमें होता क्या है कि ये बजना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट। एग्जाम्पल जैसे देखिए, मैं इसमें बजाता हूँ जैसे कुछ भी, सारे गामा प ध नी सा, इसमें आपने देखा मैं जैसे जैसे दाएं तरफ गया वैसे वैसे जो सुर हैं वो तीखे होते गए। लेकिन वहाँ पे अगर मैं ये वाला बेंजो बजाऊंगा राइट हैंड का तो इसमें क्या होगा, जैसे जैसे मैं दाएं तरफ जाऊंगा वैसे वैसे सुर, देखिए देखा, जैसे जैसे मैं दाएं तरफ गया वैसे वैसे जो सुर हैं वो नीचे की तरफ आ गए। म्यूजिक सेंस के हिसाब से हमारा जो माइंड है वो इसी तरीके से बैठ गया है, पर्सनली मेरा या फिर लगभग म्यूजिशियंस का, कि जो संगीत के जो सुर हैं वो दाएं तरफ में ऊपर जाएंगे और लेफ्ट तरफ जाएंगे तो नीचे आएंगे। उसी प्रकार से कोई गाने निकलते हैं, उसी कॉन्सेप्ट से कोई म्यूजिक निकलता है और एक्चुअल में उसी प्रकार से आप कुछ भी बजा सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर सब चीज़ उल्टी हो जाती है तो सारे गामा प ध नी सा ही नहीं बजेंगे। पर्सनली मेरे साथ अगर मैं सेम यहाँ पे सारे गामा प ध नी सा बजाऊंगा, कीबोर्ड मेरा बजाया हुआ है, तो मैं आधे घंटे में फिंगर्स को बैठा के समझ लूँगा। लेकिन यहाँ पे मेरे को रटना पड़ेगा कि मेरे को इन इन बटन्स को दबाना है तब जाके कुछ बजेगा। जैसे कि है ना, एक्चुअली मेरे से ये नहीं बच पाएगा राइट हैंड का बेंजो, क्योंकि मेरा जो कॉन्सेप्ट है माइंड का, संगीत को समझने का जो नज़रिया है वो उसी प्रकार से सेट हुआ रखा है जैसे फ्लूट, बांसुरी, वायलिन, सितार, वीणा, गिटार। एक्चुअली में गिटार में भी आप देखेंगे जो फ्रेट्स होते हैं या फिर वो बाएं हाथ से ही बजते हैं और जो तार होते हैं वो हमेशा दाएं हाथ से ही बजाए जाते हैं। संगीत के हिसाब से पॉसिबल नहीं है, लेकिन ह्यूमन के हिसाब से पॉसिबल है, आदमी कुछ भी कर सकता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपसे दाएं हाथ का बेंजो कभी नहीं बजेगा, डेफिनेटली बजेगा, लेकिन अधिकतर लोगों के माइंड में यही सेट हुआ है, यही कॉन्सेप्ट म्यूजिक का सेट हुआ है। अगर आप कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट भी बजाते हो तब भी आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो जल्दी समझ में आएगा, इसमें आपको टाइम लगेगा, इसमें चीज़ों को आपको उलटना पड़ेगा, पन्ने आपको उल्टे कर करके समझना पड़ेगा कि जो म्यूज़िकल नोट्स हैं वो उल्टी तरफ जा रहे हैं, तो उल्टे हिसाब से प्रैक्टिस करो। आपके हिसाब से ये सीधा हो गया है क्योंकि राइट हैंड से बज रहा है, लेकिन संगीत के हिसाब से ये उल्टा हो गया है, ये इंस्ट्रूमेंट पूरा का पूरा विपरीत हो गया है सुरों के हिसाब से। तो इसमें ये फ़र्क है दोनों बेंजो में, राइट हैंड के बेंजो में और लेफ्ट हैंड के बेंजो में। अब बहुत लोगों के मन में ये रहता है कि भाई हम फिर लेफ्ट हैंड का बेंजो ले लें, लेकिन लेफ्ट हैंड के बेंजो को सीखेंगे कैसे, क्योंकि लेफ्ट हैंड तो हमारा चलता ही नहीं है, हमने तो हारमोनियम बजाया हुआ है राइट हैंड से। तो इसमें ऐसा नहीं है, जैसे मैंने बताया मैं स्वयं खुद हारमोनियम और कीबोर्ड राइट हैंड से बजाता हूँ। आज भी अगर आज भी मेरे सामने हारमोनियम रखा जाएगा तो मैं राइट हैंड से बजाऊंगा, क्योंकि मेरा वही हाथ सेट है। और हारमोनियम और बेंजो में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, हारमोनियम कीबोर्ड में कीज़ का जो गैप होता है वो समान होता है ना, एक से दूसरे कीज़ में समान अंतर होता है, लेकिन बेंजो में ऐसा बिल्कुल नहीं रहता। अगर आप ये राइट हैंड से बेंजो भी सीखेंगे तो भी इसमें समय लगेगा, क्योंकि देखिए इसमें जो गैप है वो यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा है। तो लेफ्ट हैंड में भी सेम ही कॉन्सेप्ट है,
आपको 2 से 4 से 5 दिन लगेंगे खाली अपने हाथों को जमाने में, और फिर जो सुर की समझ है वो तो हारमोनियम में जो काम आई है वही इसमें आने वाली है, तब बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी और आप आसानी से लेफ्ट हैंड का बैंजो भी सीख जाएंगे। अगर मेरी माने तो जो स्टैंडर्ड चीज़ है जो सब लोगों की समझ में आ चुकी है और धीरे धीरे आ जाएगी, तो आप उसको फॉलो करते हुए चलिए। कोई अगर नई चीज़ लेंगे तो शायद थोड़ी सी दुविधा में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ऑल ओवर सारी चीज़ें पॉसिबल है यहाँ पे, आप जैसा चाहें वैसा आप कर सकते हैं। ये निर्णय आप अंत में खुद लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी हमारे जो नए नए लेसन हैं रेगुलर बेंजो के ऊपर आते रहेंगे। आशा है आपको इस वीडियो से हेल्प मिल गई होगी और एक डिसीजन लेने की आपकी एक चॉइस वो बन चुकी होगी कि आपको कौन सा बेंजो लेना चाहिए और ऐसा बेंजो क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए। ठीक है, बाकी अगर बुलबुल तरंग के बारे में, बेंजो इस प्यारे से इंडियन इंस्ट्रूमेंट के बारे में अगर आपका और कोई भी सवाल है, कोई भी ख्याल है, तो कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछिएगा। और यदि अगर आपको बेंजो खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, आप वहाँ पे जा सकते हैं या फिर हमारे को डायरेक्ट व्हाट्सअप के ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। नए नए बेंजो लेसन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।